नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ CSIR नेट फिजिकल साइंस दिसंबर के नए बैच के बारे में। तो गाइस, ये जो हमारा बैच होगा 1 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ें आप सभी को मैं देने वाला हूँ और क्या क्या हम करेंगे, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनना अगर आपको ज्वाइन करना है तो, ठीक है ना। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो अच्छे से सुना रहा हूँ आपको, अच्छे से ध्यान से समझते जाना, फिर बाद में उसके बाद अपने डाउट्स क्लियर करना, ठीक है ना। उसके बाद कमेंट करना कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए, तो अगर हम बात करें, पहले फीस की ही बात कर देता हूँ, ठीक है ना, जो हमारा मेन टारगेट है, आप पहले यही देखना पसंद करेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारा जो मंथली सब्सक्रिप्शन होगा ये हमारा 299 होगा, ठीक है। और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, जैसे कि पूरा का पूरा कोर्स, ये आपका 1751। अब ये चीज़ याद रखो, ये बस इस प्रेजेंट टाइम के लिए है, ठीक है ना। ये चीज़ आपकी कभी भी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। ये मत आप सोच लेना कि अगर आप 2 साल बाद देख रहे हो तो ये चीज़ें आपके उस टाइम भी यही रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये 10 दिन बाद भी वैरी कर सकती हैं, 20 दिन बाद भी वैरी कर सकती है। तो मैं अभी ये डिस्क्लेमर आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना। ये देखिए, जैसे कि मंथली सब्सक्रिप्शन जो होता है गाइस, इसमें होगा क्या, तो आपका जो भी, जैसे कि 1 जुलाई से हम अपना बैच स्टार्ट करेंगे तो उस दिन से आपका ये सब्सक्रिप्शन काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा उस दिन से लेके 28 दिन तक, ठीक है ना। मंथली वाला जो पोर्शन होगा ना, ये आपका 28 डेज के लिए वैलिड होगा, ठीक है। जिसके अंदर आप सभी जो जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे, सब कुछ आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना। आपका कुछ भी अगर खत्म हो जाता है, सब्सक्रिप्शन अगर खत्म हो जाता है, उसके बाद एक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक वैलिड प्लान है सारे के सारे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए जो कंप्लीट कोर्स वाला पोर्शन है, जिसमें क्या है, जैसे कि आप 1 टाइम पेमेंट कर सकते हो, आपको पूरा कोर्स तक कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा आपका, देखो ये जो भी मैं कोर्स करा रहा हूं ना, ये आपका पार्ट बी एंड पार्ट सी, मतलब मैं फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ाता हूं गाइस, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, और जो मेरे पढ़ाने का तरीका भी है वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, जो भी हम एनालिसिस होता है, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने भी हो रखे हैं, ठीक है ना, उस पेपर्स में जितने भी आपके टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जो आपका तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें मैं ज़्यादातर डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि नहीं ये वाला टॉपिक ये लाइन बाय लाइन ऐसे चलो, ऐसा नहीं करता मैं, ठीक है ना। देखो, अब जमाना बदल चुका है, आपको ना स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझना है, दैट्स इट। फिर हम फालतू मेहनत क्यों करें, ठीक है ना। तो वैसे ही मैं पढ़ाता हूं, आप लोग थोड़ा सा चेक कर सकते हो, सारे इतने सारे डेमोस पड़े हैं। जैसे कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे कि सर डेमो, तो देखो यार चैनल विजिट करो, चैनल जो दिख रहा है ना सब्सक्राइब के जस्ट साइड में, उस पर क्लिक करो, वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, चेक कर लोगे। उसके बाद देखो, अब अगर हम बात करें आपको अटेंड कैसे करना है क्लासेस, तो क्लासेस आप अटेंड करने के लिए गए आपके पास एक टेलीग्राम एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, क्लास टेलीग्राम पे नहीं होती, क्लास आपकी यूट्यूब पे ही होती है। बस ये है ना कि आपको वो जो एक्सेस करना है वीडियोस को, वो आप टेलीग्राम के थ्रू ही कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि जो भी वीडियोस की लिंक होती है, जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं, मैं वो टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, जो कि आपका एक ग्रुप बना दूंगा मैं, ठीक है ना। वहां पर बन जाते हैं, पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो उसमें बना के मैं क्लास के टाइमिंग से पहले, कुछ देर पहले, ठीक है ना, आपको वीडियो की लिंक मिल जाती है, जिसपे आप क्लिक करके उस वीडियो को विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। और लाइव सेशन अगर अटेंड नहीं कर पाते हो तो आपके लिए वीडियो अवेलेबल भी रहती है, ठीक है ना। आपने जैसा प्लान ले रखा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो अभी जो क्लास का शेड्यूल है, ये तो आपका मंडे टू फ्राइडे ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, 9 PM to 10 PM, ठीक है। ये क्लासेस हम करेंगे जिसमें कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ज्यादातर आपके एग्जाम्स में कवर किए जाते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड देन आप देखिए, मंडे टू फ्राइडे ही मैं बस क्लासेस लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए, इन्हीं 5 दिन में ही इतनी सारी चीज मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा कि आप वो सैटरडे संडे में रिवाइज ही करते रह जाओगे,
ठीक है ना। तो ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, आप कितना स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ते हो वो आपके लिए मैटर करता है। तो यही चीज मैं करता हूं बस, ठीक है ना। ज्यादा कंटेंट भर भर के देने की कोशिश नहीं करता मैं, बस वो क्वालिटी मेंटेन करता हूं कि आपको अगर मैं एक चीज बताऊं तो उस पर आप 10 चीज कर सको, बस ये मेरा स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, सैटरडे आपका ऑफ रहता है, इस दिन कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर रहेगा, उस क्लास के बाद तुरंत आपको नोट्स मिलेंगे, सैटरडे को ऑफ रहेगा, और जो मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ाया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको संडे को मैं क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना। एक तरह से असाइनमेंट क्वेश्चंस बोल सकते हो आप, आपको क्वेश्चंस दूंगा, उनके सॉल्यूशन भी दूंगा, जिससे कि आप कर सको, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है, आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन हमारा काम है भाई, हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करना, सारी चीज मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपके जितने भी मंडे टू फ्राइडे हमने पढ़ रखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड सारी चीजें आपको मैं संडे को सेंड करूंगा, ठीक है ना। आप एक तरह से उसको टेस्ट भी ले सकते हो, या फिर जैसे आप लेना चाहो। ये हुआ। अब देखिए, आपका अगर मैं बात करूं सीधा सा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको तो समझ में आ ही चुका है, आपको लेक्चर मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, उसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसमें कि देखो, अब जो भी हम लेक्चर करते हैं उसमें थियरी क्लासेस में करता हूं, लेकिन थियरी में भी क्या होता है, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जैसे कॉन्सेप्ट है कोई, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आप उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ये मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। थियरी में ऐसा नहीं कि मैं आपको सारी चीज डेराइव कराना बैठूंगा, ऐसा नहीं है मेरे यहाँ, ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा पहले से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन तो आपके क्लासेस के साथ साथ चलते ही रहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लासेस में कराता हूँ तो जो भी लेक्चर चल रहा हो, तो उसी के साथ, जैसे कि कोई टॉपिक में करा तो उसके साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। और डाउट क्लियरिंग सेशन का मतलब क्या, देखिए सिंपली, आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो तो आपके पास डाउट तो ऐसे लिखने का ऑप्शन रहता है, जैसे कि यूट्यूब पे आप अभी लाइव क्लास अटेंड करते हो कोई भी, तो आप चेक कर सकते हो वहां पे कमेंट करने वाला। उसके बाद अगर आपके पास कोई पीडीएफ या फिर कोई क्लास में अगर कुछ डाउट होता है, कुछ ऐसी इमेज में डाउट होता है, नोट्स में डाउट होता है, लेक्चर में डाउट होता है, तो उसके लिए एक अलग से डिस्कशन ग्रुप आपको मिलेगा, ठीक है ना। वहां पे आप अपने सारे डाउट सेंड कर सकते हो, जहां पे सारे स्टूडेंट्स अपने आप में डिस्कशन करते हैं, एक तरह से मतलब क्लास वाला माहौल आपको मैं बना के दूंगा, ठीक है ना। सारी चीजें तो वो चीज आप देख सकते हो, सारी जो डाउट्स होते हैं ना वो उसी डिस्कशन ग्रुप में ही सेंड किए जाते हैं, अपने स्टूडेंट्स अपने आप में डिस्कस करते हैं, जब उनसे नहीं हो पाता है तो मैं वहां पर आता हूँ, ठीक है ना। मेरे को बीच में आना पड़ता है फिर, ठीक है। वो चीजें फिर मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ या फिर मैं वहीं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। और देख लो, जो भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं गाइस, वो आपकी अवेलेबल होगी, ये चीज तो आप याद ही रखना, ठीक है ना। और आप अपने जो भी वीडियोस होगी उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको ऑफलाइन आप जैसे भी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस को डाउनलोड करते हो ना, जैसे आप इसी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, सेम टू सेम यही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे, ठीक है ना, जो कि प्राइवेट होंगे, बस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही देख सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप सोच रहे हो कि ऐसा वैसा, और ये चीजें कभी भी आपको YouTube पे नहीं मिलेंगी, ये आप सोच, बहुत लोग बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ दिन बाद वो लेक्चर्स आपके YouTube पे मिल जाते हैं, डाल देते हैं लोग, तो ऐसा मेरे साथ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, मंथ वाले का जो भी पोर्शंस है वो सारे के सारे जो मंथली वाले लोग हैं उनका 28 डेज के लिए वैलिड होगा, ठीक है ना। डिस्कशन ग्रुप सारे अवेलेबल होंगे। और आपको क्या करना है, अपनी जो भी फीस होगी, ठीक है, जो भी आप 1 मंथ वाला लेना चाहें या फिर कंप्लीट कोर्स लेना चाहें, देखो कंप्लीट कोर्स वाले में थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है ना। वैसे मैंने सोच रखा है कि इंडिया का सबसे चीपेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रखा है वैसे तो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें पेटीएम, बस देखो ये जो नंबर दिख रहा है आपको ना, इस पर आप पेटीएम बस कर सकते हो, ये बस पेटीएम के लिए ही है, ना तो इस पर कोई गूगल पे है, ना कोई इस पर आपका फोन पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये बस आपके लिए पेटीएम के लिए, पेटीएम अगर आपको करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी अगर यूज करना है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, अदर UPI, ये कुछ चीजें हैं अगर आप यूज करना चाहते हो, पेटीएम के अलावा कुछ भी अगर करना है तो आप इस चीज का यूज करोगे, ये जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, एक एक चीज करेक्ट है, मिलाल के करना वैसे, ठीक है ना। आज तक तो एक भी गलत पेमेंट नहीं हुई आज तक, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आपको क्या करना है, पेमेंट जो भी आपने करा है ना, तो जो आपको ये पेटीएम नंबर ऊपर दिख रखा है ना, ठीक है ना, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जिसपे आप कॉल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है, बस आपके कोर्स से रिलेटेड, और कोई भी मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, उसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, ठीक है ना। बस आपको कोर्स, उसके बाद व्हाट्सएप करना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद देख ही सकते हो आप लोग, और आपका जो भी पेमेंट है आप मेरे को रिसिप्ट अपना जो भी व्हाट्सएप उस पर सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम अकाउंट बना लेना, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छे से आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया ही होगा। और आपको चीज़ें याद रखनी, अगर आपका सब्सक्रिप्शन अगर खत्म हो जाता है, जैसे कि आपने 28 दिन का लिया था, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो, उसके बाद कुछ भी आपके पास नहीं रहे। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तब तो ठीक है, अदरवाइज उस ग्रुप से आप हट जाओगे,
ठीक है, ये चीजें याद रखना। और जो भी आपकी सब्सक्रिप्शन फीस है कभी भी बढ़ाई जा सकती है, हमें कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। ये मेरी भाई, जब मैं चाहूँ कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो चीजें आपको देखना है, बस जो आपको अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, अदरवाइज थैंक यू सो मच, ठीक है ना।